नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल सपनों की उड़ान में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे दसवीं कक्षा का बहुपद का वीडियो नंबर 4। हालांकि ये क्लास तो दसवां का है बहुपद, लेकिन अक्सर छोटे बड़े एग्जाम में इससे एक सवाल अक्सर पूछ ही लिया जाता है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम पार्ट वन में पढ़ चुके थे बहुपद का कि बहुपद को पहचाना कैसे जाए। पार्ट टू में हम लोग पढ़े थे वीडियो में कि अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल कैसे निकाला जाता है। फिर पार्ट तीन में हम लोग पढ़े थे बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है, चाहे वो एक घात का बहुपद हो या द्विघात का बहुपद हो। आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 4 में, पार्ट 4 में, कि जब किसी बहुपद का एक मूल जब दिया रहे अब दूसरा मूल पूछ लिया जाए तब कैसे निकालेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर दिया रहे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2k बराबर 0 और इसका एक मूल जो है दे दिया जाए, जैसे आपको दे दिया जाए कि एक मूल आपका 4 हो, एक मूल 4 हो, तो दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल क्या होगा। एक मूल आपका दे दिया है, मूल एक मूल के मतलब एक को दिया है अल्फा, आपका दूसरा बीटा पूछ रहा है वो, तो इसी को आज हम लोग सीखेंगे। तो इसको तो बनाने का बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन आपके लिए हम शॉर्टकट लाए हैं, देसी जुगाड़। करना क्या है, अल्फा और बीटा है तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए। बी पता है एक्स वाला होता है, ए कौन होता है, एक्स स्क्वायर वाला। यहाँ से ए वो कोई दिया हुआ है तो अल्फा के जगह पर लिखेंगे हम, अल्फा दिया हुआ है कितना 4 प्लस बीटा हमको निकालना है, एक मूल तो है ये, एक मूल निकालना है, माइनस बी है तो बी देखिए यहाँ पर बी आपका है तो बी कितना है माइनस में 12। ए कितना है तो ए एक आगे छिपा हुआ है तो एकर ए कितना हो गया, ए ये हो गया 4 प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस 12। ये 4 को इधर भेज देंगे हम तो बच गया बीटा इधर अकेले 12, यहाँ 4 कोची में था तो प्लस में, इधर गया तो ही माइनस में, तो हो गया बीटा बराबर आपका 12 में से 4 गया 8, तो ये हो गया आपका आंसर। मतलब आपका बहुपद का एक मूल जब दिया रहे तो दूसरा मूल निकालने का बहुत आसान देसी जुगाड़ ट्रिक है, ऐसे ही लंबा विधि से बनता है। आप कुछ नहीं करिए, बस जानते हैं मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए, ए वो को वैल्यू दे ले आप कहीं पर रखिए, दूसरा खुद ब खुद आप निकाल लेंगे। एक और भी देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0, इसका एक मूल दे दिया गया है, एक मूल 3, दूसरा मूल निकालें, दूसरा मूल बराबर भार, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0, एक मूल अगर 3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। तो फिर उसी तरीके से निकालेंगे, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, एक आपका कोई दिया हुआ है तो 3 प्लस बीटा आपको निकालना है माइनस बी, तो बी देखिए फिर आपका यहाँ पर है माइनस 4 बटा ए, ए कितना है आगे में यहाँ पर एक छिपा हुआ था, एक हो गया ही, तो हो गया माइनस माइनस प्लस, यहाँ से हो गया 3 प्लस बीटा बराबर ये कितना हो गया 4, एक तो नीचे रह गया तो खाली बीटा निकल गया आपका 4, एने से 3 जाएगा इन्हें पढ़ी तो यहाँ ये प्लस में तो उधर गया ही माइनस में, तब बीटा बराबर 4 में से 3 गया ए। इस तरीके से देखें तो एक हो गया आपका आंसर, बिल्कुल आसान है, आप घबराए ना है, परीक्षा में आएगा, आप बना लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए से, बिल्कुल आसान से आपको नंबर वहाँ मिलेगा। तो इस तरीके से चाहे जैसा भी रहे आपको करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरीके से धमाकेदार वीडियो के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और घर पर पढ़ें, मन लगा कर पढ़ें, तब तक के लिए मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी कर देंगे। तब धन्यवाद।